ये है अजय मेरू रिशान अजय के साथ 92.7 बिग एफएम से, मैं हूँ अजय। मेरा शो तो सुबह 7 से 11 आता है जिसका नाम है बिग चाय। तो अजय मेरू रिशान, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अजमेर में जो हमारी शान को बढ़ाती हैं, और हमारे अभी के जो एपिसोड चल रहे हैं वो चाय को लेकर है, बिग चाय को। जी हाँ, सुबह सुबह ताजगी आ जाती है आपको एक चाय पीते ही। और अजमेर में कुछ खास ऐसे चाय वाले हैं जिनकी चाय पीने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। तो अभी मेरे को भी थोड़ी सी चाय एनर्जी की ज़रूरत लग रही है, तो मैं एक और चाय पीने के लिए जा रहा हूँ। और आज मैं जा रहा हूँ दिलीप के पास, राइट। दिलीप, इनकी शॉप का नाम है श्री शिव सफल टी स्टॉल, और दिलीप यहाँ पर बिजी हैं चाय बनाने के लिए। और इनकी ज़बरदस्त चाय है, मैं आपको बताऊं कि इसकी, दिलीप भाई की इतनी सी चाय आप पी लेंगे ना तो आपको लगेगा यार, मतलब आज की चाय तो आपकी हो गई, उसके बाद ज़्यादा चाय पीने की इच्छा भी नहीं होगी। लेकिन बहुत ज़बरदस्त, मज़ेदार और मुस्कुराती हुई सी चाय, वो कैसे है मैं आपको बताता हूँ, मिलाता हूँ आपको दिलीप से। दिलीप भाई कैसे हैं आप? अरे भाई मस्त है, फर्स्ट क्लास टिप टॉप। चाय बनानी शुरू कर दी है? हाँ, तो आ जाइए, देखते हैं दिलीप चाय कैसे बनाता है, आ जाइए। दिलीप की एक छोटी सी जगह है जहाँ पर ये चाय बनाता है, लेकिन चाय इसकी बहुत बड़ी है क्योंकि चाय बहुत स्पेशल है। अब ये चाय स्पेशल कैसे है वो मैं आपको बताता हूँ, दिलीप भी बताएगा। दिलीप, कितने टाइम से चाय का ये बिजनेस कर रहे हो? मेरे को करीबन हो गया 15 साल इस लाइन में हुआ है। अच्छा। और मैं तब से चाय बना रहा हूँ। पहले मेरी छोटी लारी होया करती थी, अब मालिक ने सुनी, दुकान भी है। अच्छा, मालिक ने सुनी है। ये अच्छी बात है। तो ये जो चाय है, सब कहते हैं कि यार पूरी पुरानी मंडी जो कहती है कि दिलीप की चाय पियो, अगर पीनी है तो दिलीप की चाय पियो, और पूरी पुरानी मंडी के अंदर आप जो है नया बाजार के अंदर अपनी चाय को सप्लाई करने के लिए जाते हैं। मेरे भाई, मुझे ये जानना है कि ऐसी क्या खास बात लगती है तुमको तुम्हारी चाय में? देखो, खास मुझे नहीं लगती, मेरे जो कस्टमर्स होते हैं ना उनको बहुत बेहतरीन लगती है। अच्छा। और चाय की क्वालिटी मैं बनाता हूँ, और ये मेरे में गॉड गिफ्ट है कि मैं जो भी चाय बनाता हूँ लोगों को बहुत पसंद आती है और वो पीते भी है और बड़ा आनंद लेते हैं। अच्छा। हाँ, कुछ खास चीजें जो तुम्हारी चाय को स्पेशल बनाती हैं, कुछ खास चीजें डालते हो, किस में बनाते हो, ऐसा कुछ? हाँ है ना, जैसे ये मैंने अभी पीतल की, ये आप देख रहे हैं, ये इसमें मैंने कलाई भी कराई है, सॉरी अभी कलाई कराई है इसमें। और ये है, इसको मैं लेता हूँ यूज में। इसमें जब बनाते हैं चाय तो एक धातु है, पीतल और सिल्वर में फर्क पड़ता है। पीतल की इसमें बनाने में बहुत अच्छा टेस्ट बनता है, और मैं पत्ती जो है वो भी अच्छी क्वालिटी की यूज करता हूँ। अभी आप मेरे पास 5 मिनट ठहरिए, मैं आपको चाय बताता हूँ किस तरह से मैं चाय बनाता हूँ। तो ये चाय कैसे बना रहे हैं वो देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं चाय पत्ती, अरे भैया कितनी चाय बन रही है, ये मैंने चाय डल दी है इसमें। और ये मैं मार्केट लेकर जाऊंगा, मेरा इंतजार वहां पर मार्केट में आया, अभी कुछ समय में आपके सामने कॉल भी आएंगे। और ये देखिए, मैंने अभी चाय पत्ती उबाली है, और उसके बाद मैं अब ये जो मेरा मिल्क है इसे दूध को मैं डालूंगा इसमें। पत्ती को उबालने के बाद तब ये अच्छा टेस्ट बनेगा। अभी ये पत्ती ने पूरा ये ऑब्जर्व कर लिया है, इसको इस धातु को पकड़ लिया है। अब मैं ये इसमें डाल रहा हूँ चाय, ठीक है। और ये चाय अब बेहतरीन क्यों बनेगी वो भी मैं बता देता हूँ। सबसे बड़ा कारण होता है अच्छा दूध, अच्छी चाय की पत्ती और अच्छा पकाना, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये अभी मैंने चाय बनाना शुरू किया है कुछ ही पल में, और ये एक मिनट में लूँगा आपसे फिलहाल। ये सारी चाय पत्ती के अकॉर्डिंग मैंने दूध भी डाल दिया है, और अब मैं डालूंगा इसमें अदरक, कुछ इलायची पाउडर, कुछ मसाला वगैरह डालूंगा जिससे और भी चाय में टेस्ट बनता है। और इसको अच्छी पकाई हम करते हैं तो लोग बिल्कुल सराहना करेंगे। इसका शुगर का जो लिमिट है, जो हम चीनी डालते हैं, वो बिल्कुल लिमिटेड होना चाहिए। अगर कोई तेज पीता है वो अलग मैटर है, लेकिन आप अपनी तरफ से अगर शुगर का मेंटेन बिल्कुल बराबर रखते हैं तो चाय निश्चित रूप से अच्छी बनेगी। और शुगर कब डालनी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये अभी तक चीनी नहीं डाली है? नहीं, अभी तक मैंने सिर्फ चाय की पत्ती डाली है, जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा। अच्छा। इसके अलावा अभी कुछ भी चीज़ नहीं डलेगी, पहले इसमें एक अच्छा उबाल आएगा, उसके बाद मैं इसमें
इलायची और अदरक वगैरह ये डालूंगा। मेरे पास ये देख सकते हैं यहाँ पे मिक्स मसाला है, इसमें इलायची है और मसाला भी इसमें मिक्स ही होता है मेरे पास में। अब मैं इसलिए डालूंगा इसको उबाल आने के बाद में। दिलीप मैं टोकना चाहूंगा, ये जो मसाला है इलायची इसमें ज्यादा नजर आ रही है, कुछ और चीजें हैं। ये मसाला आपने खुद बनाया है? बिल्कुल, मैं घर में ही बनाता हूँ ये मसाला, और मैं बाहर के मसाले पे ना विश्वास करता हूँ। क्यों नहीं, क्योंकि उसमें मसाले में मिलावट खूब होती है, तो मेरे को विश्वास करने के लिए मेरे को खुद को मसाला घर में तैयार करना पड़ता है। और ये काम मेरी वाइफ, मेरे बच्चे मेरा साथ देते हैं इस मामले में। और अभी मैं ये अदरक बनाना, अदरक का काम शुरू करने जा रहा हूँ। अब इसमें उबाल आने वाला है, उससे पहले मेरे को अदरक घिसनी होती है। अदरक भी दूध के लिमिट के हिसाब से तैयार करता हूँ मैं। अभी आप देख सकते हैं मैं ये अदरक को भी खुशबू से पहचाना जाता है कि अदरक कहीं अंदर से कोई खराब तो नहीं। अच्छा। ये देखना बहुत जरूरी होता है, वरना अगर आप अदरक में अगर थोड़ी सी भी स्मेल अगर कुदरत की है ये खराब है, तो आपकी चाय खराब हो सकती है, उसका टेस्ट खराब हो सकता है। तो मैंने अभी ये अदरक घिसी है और ये घिस रहा हूँ और घिसता जा रहा हूँ और मजे भी लेता हूँ। अच्छा, ये रास्ता मदार गेट जाता है? नहीं, ये मदार गेट से आता है। अच्छा, एक्चुअली सबसे बड़ी खासियत दिलीप की क्या है कि ये ना बहुत ह्यूमरस आदमी है, मतलब अगर आप इससे बोलोगे तो ये कहीं ना कहीं पंच मार देगा। ये कहाँ से सीखा है? गॉड गिफ्ट है, और कुछ मेरे दोस्तों का भी असर है सर। मजा आता है, कभी आइए पार्टी में बैठे। हम दिलीप के साथ है ना थोड़ी देर में। ये एक्चुअली खुद चाय बनाता है, चाय बना करके पुरानी मंडी नया बाजार लेकर के जाता है, और फिर क्या रिएक्शन होता है वहाँ लोगों का वो भी आपको दिखाएंगे। ये डाल रहा है अब यहाँ पर इसकी प्रोसेसिंग। ओह, इतनी सारी अदरक, अदरक की क्वांटिटी दिखाना भाई साहब। ये अदरक है, चाय है, इसमें कम से कम 45 से 50 चाय से ज्यादा है इसमें। और ये पूरी तरह से देखो उबाल आ चुका है। अब मैं इसमें अदरक डालूंगा, ताकि ये अदरक का मैंने कूटा नहीं है अदरक को, इससे घिसा है, और घिसने से अदरक का सारा जो रेशो होता है वो चाय, हाँ, जितना भी रस जिसे आप बोलते हो वो रस सारा इसमें डिजोल्व हो जाएगा। ठीक है, अब मैं डाल रहा हूँ इसमें इलायची मसाला पाउडर। ओके, चीनी अभी तक नहीं डाली है? अभी तक चीनी नहीं डाली है मैंने, अभी चीनी हम सबसे पहले चाय बनाते हैं, सब कुछ डाल देते हैं, उसके बाद जब पकने देते हैं फिर पी लेते हैं। लेकिन ये भाई क्या कर रहा है, इसमें चीनी अभी तक मैंने चीनी इसीलिए नहीं डाली है, पहले मैं देखूंगा इसको कि कलर कितना आया है। और कलर जब चाय की पत्ती पूरा अपना कलर छोड़ने लगने लगती है, तब मैं इसमें शुगर डालता हूँ। अभी मैं देखता हूँ, दिखाता हूँ। और ये सब कुछ होता है स्पीडली और मेरे अंदाज से। वाओ, योर अंदाज इज सो सुपर। आप देख सकते हैं मैंने चाय। सर ये कौन सी कैलकुलेशन थी, इतनी देर में तो गिना भी नहीं गया कितने चम्मच के? नहीं सर, मैंने गिना है। अच्छा, मेरी कैलकुलेशन बहुत अच्छी है। और मेरी चाय ने भी गिन लिया, मेरे को शक्कर की पत्ती है। चाय पी के देखना आपको इनकी चाय पसंद आती है। ये मदार गेट से आते हैं, वो भैया कबाड़ी बाजार से आए हैं। हाँ। मदार गेट पे कबाड़ी बाजार आप जानते होंगे, यहाँ से वो भैया वहाँ से आए हैं चाय पीने के लिए। ये मदार गेट से हमेशा यहाँ आते हैं चाय लेने, काफी दूर दूर से आते हैं मेरे पास, किशनगढ़ नसीराबाद से भी लोग चाय पीने आते हैं। और इधर पुष्कर है, वहाँ से कॉलेज के लड़के भी काफी आते हैं मेरे पास में चाय लेने, तो चल जाता है काम। जबरदस्त एक्टर है भाई साहब, मतलब आपको हर चीज एक्टिंग के अंदर करके दिखाया है, वो आप देख ही रहे होंगे, क्योंकि आज उसे पता नहीं था कि उसका शूट होने वाला है, लेकिन ऑटोमेटिकली भाई रेडी हो गया है। तो किस तरह से वो अपनी चाय को बनाते हुए पूरी प्रोसेसिंग दे रहा होगा, वो आपने अच्छे अच्छे टिप्स से नहीं सुनी होगी। तो दिलीप भाई चाय, अब मैं इसको फेंटूंगा। इस दूध को फेंटना भी जरूरी होता है। क्यों होता है? इसमें जैसे अपन, आपने कभी मार्केट में दूध पिया? हाँ, मार्केट में दूध पिया। माँ के अलावा भी तो पिया होगा? हाँ, पिया है। तो सर वो दूध अपन पीते हैं तो फैट कर पिलाते हैं वो, ताकि उसमें एक फैट अच्छा बने और टेस्ट बनता है उसका। इसीलिए मैं चाय को ज्यादा फेंटता हूँ, ताकि इसमें टेस्ट बहुत अच्छा आता है। चाय को फेंटना बहुत जरूरी है। अगर आप चाय को नहीं फेंट रहे हैं तो चाय वैसे भी, अगर घर की चाय अलग है, ये मार्केट की चाय हमको अच्छा बनाकर देना है। अगर हम अच्छा बनाएंगे तो हमारी चाय पीकर ग्राहक सराहना करते हैं और आनंदित भी होते हैं।
आपके फोन बज रहे हैं सर, चाय के ऑर्डर आ रहे हैं। बिल्कुल सर, चाय का ही ऑर्डर है। आप उन्हें जवाब दे सकते हैं। मैं निकाल। हेलो। नहीं नहीं सर, आया हूँ, क्यों छुट्टी पर हूँ। अभी आता हूँ, अभी के पास आ रहा हूँ मैं चाय लेके, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, काफी लेट हो गया हूँ। मेरे को जिस मार्केट में जाना है, इस मार्केट वाले छोड़ेंगे तभी तो दूसरे मार्केट मतलब में जाऊंगा। मैं यहाँ अक्सर चाय पीने के लिए आता हूँ, और चाय पीना या ये जितनी देर में चाय बनाता है उतनी देर में ये फोन अटेंड करता है, भैया चाय ला चाय ला चाय ला चाय ला, ये लगा रहता है। तो अभी चाय लगभग मुझे लगता है 90% तैयार हो गई है, खिचड़ी बनेगी अभी। 92.7% तैयार हो गई है, बाकी की थोड़ी सी बाकी है। अगर ये खिचड़ी होती तो आपको मंदिर में खिलाता, चाय है इसलिए यहाँ पिला रहा हूँ। आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आपको दिलीप की चाय पीनी है वो तो पीने आइएगा, लेकिन इसके पंचों से बड़े सावधान रहिए, और आपको हंसना मुस्कुराना है तो इसकी चाय पीने जरूर आ जाइए। मैं आपको बता दूं कि आप इसकी चाय पी सकते हैं कबाड़ी बाजार के पीछे वाले गेट से आकर के, या फिर आप छूड़ी बाजार के अंदर एंटर कीजिए। और ये जगह कौन सी कहलाती है? ये आदर्श मोहल्ला कहलाता है, पुरानी मंडी आदर्श मोहल्ला है ये, और यहीं पे चाय बेहतरीन बनती है, और लोग काफी दूर दूर से भी आते हैं, मेरा वेट करते हैं लोग। जब मैं मार्केट में होता हूँ मैं ही चाय बनाता हूँ, और मेरे को ही लोग पसंद भी करते हैं, मेरे हाथ से ही पीना पसंद करते हैं। अगर मैं किसी वर्कर को रखता हूँ तो वो नहीं पीते हैं वो लोग। अच्छा, अच्छा। वो मना कर देते हैं कि नहीं दिलीप भाई तुमको ही आना पड़ेगा, चाय भी तुम बनाते हो और देने भी तुम जाते हो। हाँ, ये खास बात है, पीछे से मैं पूरी तैयारी करके भी जाता हूँ। लोगों को पसंद नहीं है कि इसकी चाय कोई और लेकर आए, यही आना चाहिए, वो इसकी खास बात है, वो इसी की जो चाय है उसको ज्यादा फेमस बनाती है। चाय को पकने में थोड़ा सा समय चाहिए, क्योंकि इसमें दूध की मात्रा काफी अच्छी होती है। अगर आप पानी में चाय बना रहे हैं, पानी की मात्रा ज्यादा जल्दी है ज्यादा है, तो आपकी चाय पे मलाई जो जमती है। सर एक मिनट, मैं बीच में से आपका बात काट कर फोन अटेंड कर लूं। हेलो हेलो, बस आ ही रहा हूं 5 मिनट में, बस चाय बन गई, आ रहा हूं, है ना, आप वेट कीजिए, आ रहा हूं। तो ये देख सकते हैं आप, अभी अभी कॉल आया, और ये चाय बनकर करीब करीब तैयार हो चुकी है। आप पीना पसंद करेंगे चाय? और देखिए ये चाय बन गई है। अब मैं, भैया आपकी कितनी है? दो। अभी लेओगे? काय में? गिलास में लोगे? कौन सी गिलास में? कांच की, स्टील की? अच्छा मेरे भैया। राजू भाई, दिलीप की चाय कितने साल से पी रहे हो? चाय पीते हैं मुझे तकरीबन 8 साल हो गए। 8 साल हो गए? 8 साल हो गए। इसके अलावा किसी की चाय नहीं पीते, मैंने सुना है। मजा नहीं आता था। तो फिर दिलीप की थोड़ी सी चाय की तारीफ में कुछ शब्द तो बयां कर देंगे आप? देखिए सब, चाय के बारे में तो मैं ये कहूँगा कि मेरे पास सिर्फ लफ्ज़ों की कमी हो गई है, वरना काबिले तारीफ तो बहुत कुछ है इसमें। लफ्ज़ों की कमी हो गई है लेकिन काबिले तारीफ बहुत कुछ है इसके अंदर, तो इसी पर कुछ हो जाए। क्या हो जाए? एक सुना दे कुछ बढ़िया सा। Teach you.